फांसों से अच्छे अच्छों को फांसा है। मैंने जहां भी पासे फेंके हैं, लोग वहां फिसल फिसल कर गिरे। सोचिए, अगर वैम्प यानी खल नायिका बनने की भी कोचिंग क्लासेस शुरू हो जाए तो क्या होगा, और ऐसी कोचिंग क्लासेस की एडवर्टाइजमेंट कैसी होंगी? क्या आप भी इससे परेशान हैं? क्या आपके घर वाले आपको एक सीधी सादी बोली बाली और समझदार बहू समझते हैं? क्या आपके भी कान अपनी देवरानी जेठानी और सास से अपनी तारीफ सुन सुन कर पक चुके हैं? तो चिंता छोड़ो, कुलक्षणी कोचिंग सेंटर से नाता जोड़ो। जी हाँ, कुलक्षणी कोचिंग सेंटर, जो आपको न केवल दूसरों में बल्कि अपने घरों में भी आग लगाने के तरीके सिखाकर एक नायिका से खतरनाक खलनायिका बना देगा, वो भी सिर्फ 10 दिनों में गारंटीड। और ऐसे कोचिंग क्लासेस में सोचे कैसे लेसन्स दिए जाएंगे? एक बहुत ही सक्सेसफुल रिवेंजफुल और आइडियल खलनायिका बनने के लिए कुछ बेसिक क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका नाम। अब गीता, रीना, श्रुति, सुनंदा, सुनीता और नहीं बल्कि आपके नाम ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों को आपके घर तोड़ू कैरेक्टर के बारे में पता चल सके। फॉर एग्जाम्पल, कनिका, रमोला, पल्लवी, शीतल, अंबिका और कमोलिका। ये वो नाम है जो आज हर चंडाल बहू के लिए आदर्श बन गए हैं। और फिर एक स्टूडेंट एक सवाल पूछेगी, एक्सक्यूज मी मैडम, तमीज से नहीं बदतमीजी से बात करो। ओए मैडम, गुड गुड, वेरी नाइस। ओए मैडम, कुछ कपड़ों के बारे में भी तो बताइए। कपड़े तो पहनने पड़ते हैं। मेरा मतलब है कि आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए जिससे आपके काले करतूतों में चार चांद लग जाए। साड़ी कोई भी पहनिए, लेकिन उसके ब्लाउजेस इतने डीप नेक होने चाहिए कि कोई भी ज्यादा डीप सोच नहीं सकता। स्ट्रैपलेस या बैकलेस हो तो आपके दुश्मन भी हमेशा आपकी बैक में खड़े होंगे। और टेलीशॉप पर चलने वाले इनके एडवर्टाइजमेंट कैसे होंगे? हमारी बहू अलका, हमारी बहू अलका, हमारी बहू अलका लाखों में एक है, भगवान सबको हमारी बहू अलका जैसी बहू दे। अपने ससुराल में ये बातें सुन सुन कर मेरे कान पक चुके थे। फिर मेरी एक दोस्त जो अपने सास का सिर फोड़ने के आरोप में जेल में बंद थी, उसने मुझे बताया कि तू कुलक्षणी कोचिंग सेंटर जा। बस 10 दिनों में जैसे सब कुछ बदल गया। ये चमत्कार था, अद्भुत था, अविश्वसनीय था, एकदम अविश्वसनीय। जैसे मैं कभी टीवी सीरियल्स के वैम्प्स को देखकर सोचती थी, आज मैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक बन गई। और खलनायिकाओं के इस काले खेल में आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, उसके लिए स्पेशल फैकल्टीज को बुलाया जाएगा। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस आपके द्वारा मचाए जाने वाले तांडव का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, क्योंकि हमें कलियों का चमन नहीं चमन की चुड़ैल बनना है। और जब आपको आपकी चाल कामयाब होते हुए दिखे तो अपने सिर को एक जोरदार झटका दीजिए। और फिर अपने बालों की लट को अपनी उंगली में फंसाकर उसे घुमाते हुए अपने मुंह से आवाज निकालिए ऐसे। कातैया।